आज SBI कार्ड IPO के बारे में एक बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ। और एक बात वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ, अगर कुछ बड़े लोग हैं जो हमसे बड़े हैं तो दोस्तों उनको ये वीडियो देख के शर्म भी आएगा, तो पहले से बोल देता हूँ माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, SBI कार्ड IPO में लॉस हुआ, ठीक है। लॉस उनको हुआ जिनको घमंड था, पहली बात, और लॉस उनको हुआ जो सही से इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास काम करते हैं दोस्तों, मतलब कि जो हमारे पास सर्विस लेते हैं, उनको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। आप बोलेंगे आप कैसे, जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट होते ही बोला कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं आपको पहले इन्फॉर्म नहीं करूँगा एक दिन पहले कि भाई ये जो स्टॉक है इसमें अगर आप खरीदारी करते हो तो आपको नुकसान हो सकता है, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं आज के डेट में अगर ये वीडियो बना के आपको बताऊं कि अगर आपने SBI कार्ड खरीदा है तो भाई आपको तो नुकसान है, यहां पर देख लीजिए 678 के आसपास है, आपको नुकसान है, तो ये क्या बात हुई। नुकसान तो हो चुकी है, अब क्या करना पड़ेगा, अब तो कुछ ऐसा इलाज है ही नहीं, अब तो लॉस बुक करना ही पड़ेगा। तो ये रहा दोस्तों, ये मैंने सबसे पहले वीडियो अपलोड किया था SBI कार्ड IPO के ऊपर, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने कब अपलोड किया था, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, 29 फरवरी 2020 को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, और साफ साफ मैंने ये वीडियो के अंदर बताया था, और ऊपर थंबनेल में भी लिखा हुआ है, टाइटल में भी, कि नंबर 1 IPO SBI कार्ड का बाप। मतलब कि दोस्तों ये वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगर आप SBI कार्ड का IPO खरीदना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आपको वेट करना चाहिए, और इससे अच्छा भी IPO आने वाले हैं, आपको उसमें पैसा लगाना चाहिए था। और ये दूसरा वीडियो मैंने बनाया था दोस्तों, और साफ साफ बोला था इस वीडियो में कि अगर आपने SBI कार्ड का IPO लिया है तो आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन ये चीज़ कुछ लोगों को नहीं पचा दोस्तों, वो लोग ओवर रिएक्ट कर गए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाने से पहले थंबनेल का देख लेते हैं दोस्तों। मैंने लिखा था SBI IPO लिस्टिंग पर होगा नुकसान, ठीक है, भारी नुकसान मैंने लिखा था, छोटा मोटा नुकसान नहीं, भारी नुकसान। और दूसरी बात, नीचे मैंने लिखा था अप्लाई किए हो तो गए काम से, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों लोगों का रिएक्शन, यहां पर देख लेते हैं कितने लोग जो है कितने गंदी गंदी कमेंट कर रहे थे। मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि वो लोग गंदे हैं, मैं ये बोलना चाहता हूं दोस्तों, स्टॉक मार्केट मतलब कि शेयर मार्केट घमंड से नहीं पेशेंस से चलता। अगर हमारे पास पेशेंस है ही नहीं, घमंड है, तो आपको डेफिनेटली लॉस ही लॉस होगा। क्योंकि आप किसी भी बुक का फर्स्ट पेज पढ़ लीजिए, आप डिस्क्लेमर ही पढ़ लीजिए दोस्तों स्टॉक मार्केट का बुक का, वहां पर साफ साफ लिखा है सबसे पहली चीज पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कुछ कॉमेंट्स, ठीक है भाई। तो ये जो वीडियो है ये थोड़ी शर्मनाक होने वाली है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। तो सबसे पहला कमेंट हम पढ़ते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आलोक कुमार जी ने बताया है कि साले कमीशन खाता है क्या बे, कितना MB बर्बाद करता है। मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता था कि SBI कार्ड मत खरीदो, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन था और इनका जो है मैंने टाइम वेस्ट किया था, ठीक है। और दूसरा कमेंट यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों इनसे, ये है पवन शर्मा, ये बताना चाहते हैं, पवन शर्मा जी गाली दिए हैं पहले, उनके बाद बताना चाहते हैं कि गेन ही मिलेगा बे, ठीक है, गेन ही मिलेगा, ठीक है, इतना रहने देते हैं, आगे बोलना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इनके हिसाब से SBI कार्ड के IPO में गेन ही मिलेगा, ठीक है, और यहाँ तक कि 4 लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया है दोस्तों। ये जो रिप्लाई, और देखिए ऐसे के 8 to 10 कमेंट्स मैंने जो है डिलीट किया जो पढ़ने लायक भी नहीं थे, लेकिन क्या करें। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं क्यों चाहूंगा कि आपका नुकसान हो। मेरा काम है आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन ला के दिखाना, और वो इंफॉर्मेशन जो ट्रू हो, जो रियल हो, वो मैं आपको दूंगा, ताकि आपको भी नुकसान से क्या होगा बचना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे भी देख लीजिए और क्या बताया है, कि ये देख लीजिए, ये बताना चाहते हैं कि तेरा पैसा नहीं लगा तो ऐसा बोलेगा, ऐसा बोलेगा। मतलब मैंने बोला था दोस्तों इसमें कि SBI कार्ड का जब IPO आएगा तो बहुत भारी नुकसान होगा, ठीक है, तो ये बताना चाहते हैं कि तेरा पैसा नहीं लगा, ठीक है, तो ऐसा बोलेगा। मैं क्यों बोलूँगा कुछ भी गलत किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। और क्या मैं बोलूँगा कि SBI कार्ड का IPO डूब जाएगा तो डूब जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अगर मैं कल को बोल दूंगा कि कुछ भी अगर मैं बोल दूंगा तो हो जाएगा, नहीं होगा, तो उसी तरह मैं तो आपको फैक्ट फिगर और डेटा के हिसाब से, स्टैटिक के हिसाब से मैं आपको बस इन्फॉर्म करना चाहता था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत गलत तरीके से लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि 100% ये IPO जो है, और ये देख लीजिए, ये भाई साहब बोलना चाहते थे
बेकार की बात मत करो, 900 प्लस ही ओपन होगा आईपीओ, ठीक है, चल कुछ भी हो, ठीक है, ये बोल रहे हैं चाहे कुछ भी हो लेकिन 900 प्लस ही ओपन होगा। भाई अब इनसे जाके पूछ लो, संजय कुमार जी से, 900 अप में ही तो ओपन हुआ है, प्रॉफिट जिनको लॉस हुआ है इन लोगों से जाके पूछो, क्योंकि यही लोग हैं जो बढ़ा चढ़ा देते हैं दूसरों को भी। जो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये चीज़ आपने सीख लिया ना, मैं बोल रहा हूँ दूसरे दिन से आपके शेयर मार्केट में नुकसान नहीं होगा, अगर होगा भी तो 100% में से आपको बोल रहा हूं कि 70% नुकसान कम से कम हो जाएगा, ठीक है, 70% ऑटोमेटिक आपको नुकसान होना बंद हो जाएगा, ठीक है। क्या है ये नॉलेजेबल थिंग है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे रास्ते मिलेंगे जहां पर बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देंगे, बताएंगे कि भाई ये सही नहीं है वो कर लो, वो सही नहीं है ये कर लो। कुछ लोग अपने मामा के, चाचा के, बेटा के, बेटी के, दादा से, चाचा से, मतलब इतने दूर दूर के रिलेशन से पूछते हैं, बोलते हैं भाई ये स्टॉक खरीद लो, तो वो बोलते हैं भाई खरीद लो। लेकिन क्या आपने देखा कि मैंने किससे एडवाइस लिया, वो इंसान से जो कभी सफल नहीं हुआ है। भाई एडवाइस उससे लेना चाहिए जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपको एडवाइस ही लेना है तो अच्छे लोगों की, जो बड़े लोग हैं, जो सफल पूर्वक लोग हैं, उनके बुक्स पढ़ो, उनके बारे में सुनो, तब आपको अच्छा से अच्छा इंफॉर्मेशन होगा। देखिए एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, इनको ही देख लीजिए दोस्तों, ये कौन है, विवेक बिंद्रा जी, ठीक है, ये है विवेक बिंद्रा जी, और ये अपने से बड़े बड़े लोग हैं, जो कंपनी के बड़े बड़े लोग हैं, चेयरमैन हैं, सीईओ हैं, सीएस हैं, तो उन लोगों से जो है डिस्कस करते हैं और आप लोगों को नॉलेज देते हैं। तो सोचिए इन्होंने नॉलेज किससे लिया, बड़े लोगों से जो इनसे भी बड़े हैं, ठीक है। और वॉरेन बफेट जी ने साफ साफ बताया है, हैंग आउट विद द पीपल हु आर बेटर देन यू, तुमसे जो अच्छे हैं उनके साथ आप जाके मर जाओ। इसके कहने का मतलब है अपने से अच्छे लोगों के साथ रहोगे तब जाके मिलेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको वो इंसान एडवाइस देता है कि भाई ये खरीदो या मत खरीदो, जो लाइफ में कभी कुछ किया ही नहीं, अगर शेयर मार्केट में आपको कोई एडवाइस देता है कि आप येस बैंक खरीद लो, DHFL खरीद लो, क्या आप पूछिए क्या आप शेयर मार्केट में कितने दिन से हो और आपने कितना कमाया और कितना गवाया, तब जाके उसका एडवाइस को आप इंप्लीमेंट कीजिए, उसके एडवाइस पे आप चलिए। अगर वही खुद सफल नहीं हो पाया तो उसका एडवाइस लेके तो आप भी डूब जाइएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जो काम की बात है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी बोलना चाहते हैं दोस्तों, यहां पर देख लीजिए, हाँ ये देख लीजिए, बोल रहे हैं कि डोंट स्प्रेड फेक न्यूज़, तो मैं जो है फेक न्यूज़ बता रहा था, ठीक है। तो मैंने ये आपको ये वीडियो दिखा के, ये कमेंट दिखा के बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है, ठीक है। अब काम की बात कर लेते हैं, ठीक है। जिनको लॉस हुआ, नुकसान हुआ, भाई अब उनको क्या करना है मैं बोलूंगा, ठीक है। अभी ये मंथ जैसा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर मार्केट और ज़्यादा गिरता है तो मैं बोलूंगा और गिर सकता है दोस्तों, और मार्केट को गिरने का संभावना और भी ज़्यादा है निफ्टी में, ठीक है। तो अभी मैं बोलूंगा अगर किसी ने SBI कार्ड का IPO खरीदा है, भाई IPO अगर अलॉटमेंट मिला है उनको, तो मैं बोलूंगा अभी होल्ड ही कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी नया है, कोई डेटा नहीं है, कुछ भी डेटा नहीं है दोस्तों कंपनी के बारे में, तो हम कुछ भी नहीं बता सकते। देख लीजिए यहाँ पर SBI कार्ड, ठीक है, कुछ भी डेटा नहीं है तो कुछ भी बताना मुश्किल हो रहा है अभी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, ठीक है, अभी इसके पास अगर आप होल्ड कर सकते हो कम से कम अगर 1-2 महीने, अगर मार्केट सुधर जाता है तो मैं बोलूँगा दोस्तों खरीदने का भी अच्छा मौका आएगा, जिसमें इस स्टॉक में खरीद के आप अच्छा से अच्छा बेनिफिट भी कर सकते हो, ठीक है। जिन्होंने हाई प्राइस में खरीदा उनको लॉस हो रहा है, जिन्होंने नहीं खरीदा उनको खरीदने के लिए नया अपॉर्चुनिटी आएगा, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे ही गिरते रहा, निफ्टी ऐसे ही गिरते रहा, देख रहे हो किस हिसाब से बैंक निफ्टी गिरा है, निफ्टी के आसपास भी, ठीक है, तो दोस्तों देख लो मार्केट बहुत ज़्यादा 2000-3000 पॉइंट के आसपास गिर जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर ये सप्ते में ऐसा ही मार्केट गिरता रहा तो दोस्तों ये 500 के लेवल में भी आ जाएगा, ठीक है। और 500 के लेवल में अगर ये मिलता है तो मैं बोलता हूँ भाई आपको खरीदना है, ठीक है, आप उस टाइम खरीद सकते हो, ये अच्छे से अच्छे डिस्काउंटेड वैल्यू पर मिल जाएगा। डिस्काउंटेड वैल्यू पर तो मिल रहा है, लेकिन अगर मार्केट गिर रहा है तो और भी डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है। तो 500-600 के बीच में आप खरीदने का कोशिश करो, 500-600 का स्टॉक बीच में, ठीक है। SBI कार्ड को आपको 500-600 के बीच में खरीदना है, अगर आप उसके बीच में खरीदते हो, ठीक है, और नुकसान भी होता है तो आने वाले दिनों में आपको बहुत बहुत अच्छा रिटर्न होगा भाई, बहुत अच्छा रिटर्न होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत अच्छा रिटर्न होगा, ठीक है, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि कंपनी तो नहीं है भाई, प्रॉफिट तो देगा ही देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, खरीदना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और जो नए लोग हैं भाई उनको मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ भाई, अगर आप कम से कम
थोड़ा और लॉस बेयर कर सकते हो तो मैं बोलूँगा, ठीक है, होल्ड करो, नुकसान नहीं होगा आपको, ठीक है। अगर आपको बुरा लगा तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बस सही चीज़ समझाना चाहता था। देखो, कुछ ऐसी भी चीज़ हैं जो समझाने के लिए कुछ गलत एग्जांपल भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो जिनको नुकसान हो रहा है, मैं उनको बोलूँगा होल्ड कीजिए। अगर 2 से 3 महीने तक अगर आप होल्ड कर लेते हैं तो आपको इसमें प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा नहीं दोस्तों, एक क्वार्टर रिजल्ट के आसपास ही आपको वेट करना है। एक क्वार्टर रिजल्ट मतलब 3 महीने के आसपास। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप एक लाइक करते हो तो बहुत ज़्यादा उत्साह मिलती है और भी अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने का उत्साह मिलता है और हिम्मत मिलती है नेक्स्ट टाइम और भी आपको अच्छे से अच्छे बेटर से बेटर आपको कंटेंट ला के दूँ, ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले बता दिया जाता, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों आइडिया का शेयर का प्राइस जो है इंक्रीज़ होने वाला है और आपको खरीदना ही खरीदना, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देगा दोस्तों। ये 5 रुपीज़ के आसपास था, तब मैंने ये वीडियो बनाया था। आज के डेट में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 5, और ज़्यादा दिन नहीं, 1 या 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। आज के डेट में देख सकते हो 5.50 पे ओपन हुआ और 7.20 पे ये हाईएस्ट गया था। मतलब दोस्तों अराउंड अगर हम देखें तो 20% के आसपास तो निकल रहा था एक दिन के अंदर, ठीक है। और मार्केट इतना गिरते हुए भी वोडाफोन आइडिया जैसा स्टॉक देखो पॉजिटिव है और मैंने वीडियो बनाया था। ये रहा वीडियो आपके सामने, मैंने साफ साफ लिखा था 5 रुपये के शेयर में केवल आप 10,000 रुपये लगा दो, गिरते हुए मार्केट में मल्टी बैगर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने साफ साफ लिखा था गिरते हुए मार्केट में मल्टी बैगर बन जाएगा, और आज के डेट में, ठीक है, केवल एक दिन के अंदर आपको 20% का तेज़ी दिखाया और अभी भी नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए 5 रुपीज़ मैंने लिखा है, यहाँ पर भी देख लीजिए 5 रुपीज़ मैंने लिखा है। इसके अंदर में मैंने बताया था वोडाफोन आइडिया, आप हमारे सारे वीडियोज़ के साथ पेपर ट्रेड कर सकते हो। देखो वीडियो आपके सामने है, मैंने आपको रास्ता दिया, आपको चलना होगा रास्ते पे। और हमारे यहाँ सर्विस भी दिया जाता है, अगर आप सर्विस लेना चाहते हो, पेड सर्विस लेना चाहते हो, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो कि आपको सर्विस चाहिए, 2-3 दिन में आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो नंबर है दोस्तों, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो या मिस कॉल मार सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने का डर रहता है अगर इन्फॉर्मेशन आपको सही समय पर नहीं मिला तो। वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हो।